नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टेनोग्राफी इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज से आपके लिए हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो राजस्थान में निकली थी उसके लिए मैं आपके लिए डिक्टेशन शुरू करने वाला हूँ, जिसमें न्यायालय से संबंधित शब्द होंगे। तो दोस्तों, आप डिक्टेशन को लिखें और लिखने के बाद उसको अनुवाद करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपकी कितनी मिस्टेक आ रही हैं। और दोस्तों, एक निवेदन और है आपसे, मैंने काफ़ी मेहनत की है डिक्टेशन को बनाने के लिए और ऐसे ही प्रतिदिन आपके लिए मैं डिक्टेशन लाऊंगा जो न्यायालय से संबंधित ही रहेगी। तो कृपया, निवेदन है आपसे कि डिक्टेशन लिखने के बाद उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिक्टेशन लाता रहूं, मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए, डिक्टेशन में जो शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइन बना लेते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका। विनियमित, विनियमित। परिदान, परिदान। विलंब, अवसंरचना। जवाबदेही, जवाबदेही। ब को आधा कर दिया, ह निकाल दिया। और दूसरा तरीका ये है, जवा पीछे व का हुक बना के जवाबदेह, ब को आधा कर दिया, जवाबदेह, और दो विसर्ग लगा दें, जवाबदेह विसर्ग लगा देंगे आप तब भी वो जवाबदेही बन जाएगा। अब है निष्पादन, निष्पादन। क्षमताओं, लंबित। चरणबद्ध, चरणबद्ध, या फिर पूरा बना लो चरणबद्ध या चरणबद्ध, कई तरीके होते हैं दोस्तों। परिसमापन, परिसमापन। समन्वित, समन्वित। व को आधा कर दिया है। कंप्यूटरीकरण, तो ये हो गया टर और ये लग गया इधर कम, तो कंप्टर इस तरीके से बोल सकते हैं शॉर्ट में, कंप्यूटर, कंप्यूटरीकरण। अधीनस्थ, अधीनस्थ। अत्यधिक, ये अधिक का सब चिन्ह है, इसी में अत जुड़ जाएगा, अत्यधिक। मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी। का को आधा कर दिया, मुकदमेबाजी, और बा से काट दें तो बाज या बाजी का काम करता है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। पॉइंट लगाने से लास्ट में आईएनजी का काम करता है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। हिंदी शॉर्ट हैंड में चूंकि पॉइंट बहुवचन का काम करता है, तो इसलिए डिफरेंस करने के लिए आप यहाँ पर पॉइंट की जगह पर शून्य लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग। अभी है यहाँ पर अध्यक्षता, तो ये अध्यक्ष का सब चिन्ह है, इसी में ता जोड़ देंगे, अध्यक्षता। सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद, या लंबा कर देंगे सलाहकार परिषद। ह साइलेंट रहेगा। अब है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। लाइन से ऊपर कार्यकलाप हो जाता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट। अब है इसमें कार्य दिवस, कार्य दिवस। निपटारा, निपटारा। न्यायिक तंत्र, न्यायिक तंत्र, न्यायिक तंत्र। समीक्षा। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट। न्यायपालिका भारत के संविधान के अधीन राज्य का एक स्वतंत्र अंग है। ऐसे मामले न्यायपालिका द्वारा विनियमित होते हैं। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रीय न्याय परिदान
और विधिक सुधार मिशन को तंत्र में विलंब और बकाया में कमी करके और अवसंरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करके और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को स्थापित करके पहुंच में वृद्धि करने के दोनों उद्देश्यों के साथ अगस्त 2011 में स्थापित किया गया था। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ कंप्यूटरीकरण सहित न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और वैधानिक उपाय मामलों के तीव्र निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग और मानव विकास संसाधन पर जोर भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यनीतियों तथा कार्य योजना और इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए व्यापक सदस्यता के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता के अधीन एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मिशन की कार्य योजना को कार्यनीति पहल के अधीन बनाया गया था, जिनकी समय समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा समीक्षा की गई है। अब तक सलाहकार परिषद की 11 बैठकें हुई हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन क्रियाकलाप एक सतत प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद के समक्ष नियमित रिपोर्टें की जाती हैं, क्योंकि न्यायपालिका भारत के संविधान के अधीन राज्य का एक स्वतंत्र अंग है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस और छुट्टियों की अवधि संबंधित न्यायालय द्वारा तय किए गए नियमों द्वारा विनियमित होती है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवस के साथ साथ कार्य के घंटे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनियमित किए जाते हैं। न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने न्यायिक तंत्र में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन हेतु न्यायपालिका को सहयोग करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कंप्यूटरीकरण तथा न्यायिक अधिकारियों की तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।